नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉनस्टोन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल अफेयर्स एमसीक्यू रिवीजन सीरीज की पहली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं सेकंड वीडियो ला रहा हूँ अभी। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो से है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इजिप्ट, नाइजर, चैड, इथोपिया, सोमालिया। विच ऑफ द अबव शेयर बॉर्डर्स विथ सूडान? तो सूडान में आपको अभी सिचुएशन पता होगा कि सिविल वॉर हो रहा है बिटवीन द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सूडान की है। तो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो चैड है, लीबिया है, इजिप्ट है, इरीट्रिया है, इथोपिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी है। तो इतने सारे कंट्रीज से ये जुड़ा हुआ है। 2011 में ये सूडान और साउथ सूडान एक ही कंट्री हुआ करता था और ये सबसे बड़ा कंट्री था अफ्रीकन कंटिनेंट में, लेकिन ये 2011 में टूट गया। नॉर्दर्न पार्ट जो है आज का सूडान है, जिसका कैपिटल खार्तूम है, और जो सदर्न सूडान है वो सदर्न सूडान कहलाता है, रिपब्लिक ऑफ सदर्न सूडान। जो नॉर्दर्न सूडान है उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अरब पॉपुलेशन है, वाइल जो सदर्न सूडान है वहाँ ब्लैक अफ्रीकन हेरिटेज के ज़्यादा लोग रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इजिप्ट है ऑप्शन में, चैड भी है, इथोपिया है, नाइजर और सोमालिया नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विलिंगली गुली फालू एंड थिला फुशी वेर ऑफन हर्ड इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दम? फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना, आइलैंड ऑफ मालदीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइलैंड ऑफ मालदीव्स। इंडिया एंड मालदीव साइंड ए कंट्रैक्ट ऑन मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ मालदीव्स। तो इसको फंड कर रहा है इंडिया, ग्रांट दे रहा है 100 मिलियन डॉलर्स की। ग्रांट होता है फ्री मनी होता है, एंड लाइन ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट है 400 मिलियन डॉलर्स, बिगेस्ट न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाई इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इन रिसेंट ईयर्स। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज एंड ए कॉजवे लिंक कनेक्टिंग द कैपिटल माले विद द एडजॉइनिंग आइलैंड्स ऑफ विलिंगली, गुली फालू एंड थिलाफुशी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर करेक्ट है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क अंडर यूएन्स इंटरनेशनल मरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द सी लेंस। ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेटअप ढाकास मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये ढाका नहीं होगा, श्रीलंका होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इंडिया एंड श्रीलंका हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेटिंग अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर कोलंबो में। इसका मेन सिग्निफिकेंस है कि इट एनहांसेस कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी बिटवीन द टू कंट्रीज इन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। दोनों ही इंडियन ओशन रीजन में पाए जाते हैं। एमआरसीसी आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क अंडर द यूएन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द सी लेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्विफ्ट रेस्पॉन्स टू एमरजेंसीज सच एज वेसल इन डिस्ट्रेस, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, एड एंड प्रिवेंशन एंड कंटेनिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर्स लाइक ऑयल स्पिल्स। तो ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में और एनी एनवायरमेंटल डिजास्टर हो जाता है तो उसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सो हमें करेक्टली मैच्ड बताना है। उमैद मॉस्क कंट्री सीरिया में है, तेल अबीब म्यूजियम इसराइल में है, पेट्रा जॉर्डन में है, कर्नाक टेम्पल श्रीलंका में नहीं है।
इसमें से विच ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें थ्री पेयर्स होगा, ओनली थ्री पेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो उमैद मॉस्क जो सीरिया में है इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट मॉस्क ऑफ डेमस्कस, इसकी कैपिटल सिटी में है, डेमस्कस में है। टेल अविव म्यूजियम जो है इसराइल में है, टेल अविव म्यूजियम ऑफ आर्ट इज इसराइल फर्स्ट आर्ट म्यूजियम फाउंडेड इन 1932। पेट्रा जॉर्डन में है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स वेयर एंशियंट ईस्टर्न ट्रेडिशनल ब्लेंड विथ हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर पाया जाता है, और इसे मार्स ऑन द अर्थ भी कहा जाता है पेट्रा को। फिर कर्नाक टेम्पल श्रीलंका में नहीं है, इजिप्ट में है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ कर्नाक टेम्पल इज लोकेटेड इन लक्सोर इजिप्ट। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू अमून, खुनसु एंड मट, ये उनके भगवान के समर्पित है ये टेम्पल, कर्नाक टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट करेक्ट है। इट्स एम इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू ट्रेड अग्रीमेंट्स डिस्कस्ड एंड साइंड बाय मेंबर स्टेट, तो ये सही है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन थ्रू कंसेंसस एंड एनी मेंबर कैन एक्सरसाइज अ वेटो, ये भी सही है। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1995, ये सही है। द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO मीट एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ नहीं होगा, हर 2 साल में मिलते हैं। सो एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं, द WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। अगर ट्रेड डिस्प्यूट या ट्रेड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो WTO में सॉल्व होते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1995, 164 मेंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स रूल ऑल डिसीजन आर टेकन थ्रू कंसेंसस एंड एनी मेंबर कैन एक्सरसाइज अ वीटो। इसका मेन एम है टू प्रमोट फ्री ट्रेड विच इज डन थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट आर डिस्कस्ड एंड साइन बाय द मेंबर स्टेट। और जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, यूजुअली मीट होती है एवरी 2 ईयर में। और द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्ड हुआ था 17 जून 2022 को, एग्रीड टू अ सीरीज ऑफ डील्स रिलेटिंग टू टेम्पररी वेवर्स ऑन COVID-19 वैक्सीन, मोराटोरियम ऑन ई कॉमर्स ट्रेड, फूड सिक्योरिटी एंड सेटिंग लिमिट्स ऑन हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज। सो इस पे 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इस बेसिस पे हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। एक क्वेश्चन मैं इससे पूछता हूँ इससे रिलेटेड कि WTO की डायरेक्टर जनरल कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिस्ट कॉरिडोर इज इन द न्यूज रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट, है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉरिडोर। इंडिया तो ऑब्वियसली होगा ही, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट केबल सिस्टम हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 8,100 किलोमीटर्स कनेक्टिंग सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडिया। सो मिस्ट का जो मेन एम है टू एनहांस एंड कंट्रीब्यूट टू एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क फ्रॉम एशिया, देयर बाई इम्प्रूविंग नेटवर्क रिडेंडेंसी, इंश्योरिंग हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन एंड एक्सपैंडिंग ऑनवर्ड्स कनेक्टिविटी ऑप्शंस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो आसियान कंट्रीज को मेनली ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। द मिस्ट केबल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 फाइबर पेयर्स विद मोर देन 216 टेराबाइट पर सेकेंड, और 1 टेराबाइट में होता है 1000 गीगाबाइट्स। द टोटल इनिशियल कॉस्ट ऑफ मिस्ट केबल सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली $400 US, ये इनिशियली है, ये कॉस्ट बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, इंडोनेशिया इसका भी पार्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इंडोनेशिया भी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, कीव, दोनेस्क, लुहांस एंड खारकीव। वट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस प्लेसेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में। तो इस मैप में देखिए, कीव जो है वो कैपिटल है यूक्रेन का, फिर देन आता है खारकीव, देन दोनेस्क, देन लुहांस्क।
डोनेस्क और लुहांस दोनों रीजन मिलाकर डोनबास रीजन कहा जाता है, जो कि रशिया के कंट्रोल में है अभी। और क्राइमिया ये जो रीजन है, ये 2014 में ही रशिया ने कब्जा कर लिया था। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करेंगे तो पहले आएगा कीव, देन खारकीव, देन डोनेस्क, देन लुहांस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1423, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इट इज एम टू प्रोमोट द एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट इकोनॉमी एंड ब्रॉडन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। ये भी सही ऑप्शन है। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन विच वॉज हेल्ड इन 2022। ये गलत है, इंडिया पार्टिसिपेट किया था। तो हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई द डिक्री ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, दैट इज व्लादिमिर पुतिन, इन 2015 में हुआ था, टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशिया फार ईस्ट रीजन, जो व्लादिवोस्तोक वाला एरिया है, टू एक्सपैंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन। द डेलीगेशन कंसिस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चाइना, म्यांमार, मंगोलिया, इंडिया, आर्मेनिया एंड साउथ कोरिया ऑल्सो। फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच कंट्रीज सच एज अल्जीरिया, घाना, द डोमिनिक रिपब्लिक, जाम्बिया, कैमरून, लिबेरिया एंड युगांडा टुक पार्ट इन द फोरम। तो ये जो रशिया के जो फार ईस्ट रीजन है, जो सबसे कम डेवलप्ड है रशिया में, उसको डेवलप करना चाहते हैं, और ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में व्लादिवोस्तोक और जो रशिया के शहर है उसका इम्पोर्टेंस बढ़े। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली इन न्यूज। इट इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन यूनियन। द यूरोपियन कमीशन अनेबल्ड अ प्लान टू इन्वेस्ट 300 बिलियन यूरोस, दैट इज $340 बिलियन ग्लोबली बाई 2027 इन किस किस फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, द स्कीम ग्लोबल गेटवे इज टू स्ट्रेंथन यूरोप सप्लाई चेन, बूस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रेड, हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, फोकसिंग ऑन डिजिटाइजेशन, हेल्थ, क्लाइमेट एंड एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एज वेल एज एजुकेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज में। द ग्लोबल गेटवे इज ऑल्सो फुली अलाइन टू यूएन एजेंडा 2030 एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एज वेल एज द पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या क्वेश्चन है? कंसिडर द फॉलोइंग, मोल्डोवा, बुल्गारिया, टर्की, ग्रीस, जॉर्जिया, विच ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।